हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके लिए ये बुनाई का बहुत प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। 3D पैटर्न है, देखिए ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बिल्कुल स्मार्ट सा। और इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपको चार चार फंदों के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने होंगे। जैसे यहाँ पे 4 4 4 4 और 3 एक्स्ट्रा स्टिच लेने होंगे आपको। इस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट में फंदे डाल लीजिएगा, जो भी आपको बनाना हो। मैं आपको अब इसे बनाने का तरीका बताती हूँ, कैसे इसे अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल के थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। मैंने देखिए कितने फंदे लिए बता देती हूँ आपको। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 16 हो गए, और प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच लिए मैंने, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 फंदे यानी कि 19 फंदे लिए हैं। 4 4 4 4 16 और 3 एक्स्ट्रा लिए हैं, तो पूरे मिला के 19 फंदे हमारे हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आप कैसे बुनेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको पहली सिलाई अपनी पूरी फ्रंट साइड की रो पूरी सीधी बनानी है। पहला फंदा उतार लीजिए और सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। अब इसके बाद की देखिए बैक साइड की रो आपको पूरी उल्टी बननी है। ये पूरी रो उल्टी बुन लीजिए। ये पूरी रो उल्टी हो गई। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी दो सलाई हमने बुन ली है, एक सीधी और एक उल्टी। अब तीसरी सलाई में, थर्ड रो में हमारा ये पैटर्न पड़ेगा। हमने देखिए अपने ऊन को इसमें ज्वाइन कर लिया है, दूसरे कलर को, जो भी आप कलर लेना चाहे आप ले सकते हैं इसमें बनाने के लिए। इसमें देखिए कैसे बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतार लीजिए, दूसरा फंदा भी बिना बुने उतार लीजिए, और इसके बाद देखिए तीसरा फंदा भी बिना बुने उतार लीजिए। तीन फंदे उतारने हैं ऐसे ही। अब देखिए चौथे नंबर का फंदा जो है इस पे, इस फंदे के बीच में जो देखिए जाली जैसी दिखती है, इस पे देखिए पहली को छोड़ के दूसरी नंबर में आपको सलाई को अपनी ऐसे डालना है। और ये जो ऊन है ग्रीन कलर का, इससे हमें सीधा फंदे की तरह इसे बुनना है। एक फंदा देखिए ऐसे बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इसके बाद देखिए दूसरा फंदा हम इसके जो बिल्कुल ऊपर का ये है जाली, इस पे डालेंगे। देखिए इस फंदे के बीच में यहां पे डालेंगे तो, और फिर सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये आपके दो फंदे हो गए, और एक फंदा आप ये जो ऊपर वाला फंदा है ये वाला, इस पे आप ऐसे सीधा बुनेंगे। तीन फंदे आप ऐसे बुनेंगे। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तीन फंदे आपको फिर से रिपीट करने हैं, ऐसे बिना उतारे बुन ऐसे ले लेने हैं, बिना बुने उतार लेने हैं। अब इसके बाद देखिए वही करना है, पहला और दूसरा, ये दूसरे नंबर में ऐसे अपनी सिलाई को डाल के एक सीधा फंदा बुनना है, फिर दूसरी में अपने सिलाई को डाल के दूसरा फंदा बुनना है, और ये ऊपर वाले फंदे पे डाल के तीसरा फंदा बुनना है। इस तरीके से फिर आपको देखिए तीन फंदे बिना बुने उतार रहे, फिर देखिए बस ऐसे ये रिपीट होता जाएगा।
तीन फंदे बुने, तीन उतारने, एक दो तीन। फिर ये देखिए इस फंदे में फिर से यही करेंगे, इस तरीके से, और ये तीन फंदे लास्ट के बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए आपको बैक साइड से इस सलाई, इस बुनाई में आपे क्या करना है, चौथे नंबर की हमारी ये वाली रो है, ये वाले फंदे जो है हमने बिना बुने ऐसे ही उतारे थे, ऐसे ही उतार लेंगे फिर से। अब इन तीनों फंदों को देखिए एक साथ लेना है, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे तीनों को एक साथ बुन लेना है ऐसे। फिर ये तीन फंदे बिना बुने ऐसे ही उतार लेने हैं। फिर ये देखिए तीनों फंदों को आपने एक साथ ऐसे बुनना है, फिर तीनों फंदे ऐसे ले लीजिए बिना बुने और इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए इस तरीके से। फिर से देखिए तीन फंदे बिना बुने उतारिए, तीन फंदों को तीन का एक कर लीजिए ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से हमारी दो सलाई हमारी कंप्लीट हुई है ये बुनाई डालते हुए। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद की जो ये वाली सलाई है इसे पूरा हम, ये हमारा ग्रे कलर है, इससे बुनेंगे हर फंदा सीधा इस तरीके से। आप अपना एक सलाई ये वाली सीधी, ये सारे फंदे हम सीधे बना लिए हमने ग्रे कलर से। अब इसके बाद की बैक साइड की रो में पूरी सलाई उल्टी बुन लीजिए ग्रे कलर से। पहला फंदा ऐसे उतार लीजिए, उसके बाद के सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए, देखिए ऐसे। देखिए फ्रेंड दो सलाई हमने बुन ली है, एक सलाई पूरी सीधी, एक सलाई पूरी उल्टी। अब दो सलाई हमें और बुननी है, एक सलाई पूरी सीधी और उसके बाद की सलाई पूरी उल्टी। चार सलाई जब हमारी ये हो जाएंगी फिर ये पैटर्न दोबारा से पड़ेगा। ऐसे करते हुए आप ये वाली सीधी सलाई और इसके बैक साइड की सलाई पूरी उल्टी बुन लीजिए, फिर ये पैटर्न मैं बताऊंगी कैसे पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से चार सलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये पैटर्न दोबारा से यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए हमने चौथे फंदे में ये ग्रीन कलर यूज करा था, अब इसके बाद जब हम ये रिपीट कर रहे हैं तो हमें दूसरे फंदे में यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करना है और तीन फंदे छोड़ के फिर यहाँ पे बीच में ये वाला कलर यूज होगा, ऐसे ही करेंगे। पहला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए बिना बुने हुए, इसके बाद के देखिए फंदे पे, दूसरे फंदे पे यहाँ पे आपको देखिए दूसरे नंबर पे ऐसे सलाई डालनी है और ये वाला फंदा देखिए ऐसे ग्रीन कलर से एक बनाना है पहले, फिर देखिए दूसरा फंदा, फिर देखिए यहाँ पे आपको सलाई डाल के ऐसे बनना है ऐसे, और ये फिर आपको ऐसे ऊपर वाला फंदा बुनना है इस तरीके से। आप ये बुनेंगे तीन फंदे ऐसे उतार लेंगे बिना बुने और यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे, एक दो, ये देखिए दूसरा फंदा बीच में इधर डाल के और तीसरा ऐसे, और फिर ये तीन फंदे बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे डालेंगे सलाई, तीन फंदे बुनेंगे, एक एक इसके ऊपर दो, और देखिए एक याले फंदे पे, तो ये तीन फंदे हो जाएंगे। फिर बिना बुने तीन फंदे उतारेंगे, फिर देखिए यहाँ पे बुनेंगे, एक दो और देखिए तीन फंदे,
फिर ये तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे और ये जो है एंड से पहले वाला ये वाला इस पे फिर से आप ये वाली बुनाई डालेंगे। और अब देखिए लास्ट का एक फंदा बचा है, ये ऐसे ही उतार लीजिए। अब इसके बाद देखिए बैक साइड की रो है आपकी, ये कैसे बनेगी। पहला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए, इसके बाद के तीन फंदे आपको एक साथ बुनने हैं। देखिए ऐसे, फिर ये तीन फंदे आपको बिना बुने उतारने हैं, फिर ये तीन फंदे एक साथ बुनने हैं। ये देखिए ऐसे, फिर ये तीन फंदे बिना बुने उतारने हैं, फिर ये तीन फंदों को, फिर देखिए तीन फंदों को आपने एक साथ बुनना है, फिर तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे और फिर तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। इस तरीके से देखिए ये पैटर्न हमारा बनेगा। अब इसके बाद की रो आप प्लेन पूरी ग्रे कलर से ऐसी बना लीजिए। हर फंदा बुनते हुए पहला फंदा ऐसे उतार लेंगी, मैं हमेशा उतारती हूँ मैं पहला फंदा, और फिर उसके बाद के सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। और इसके बाद आपको चार सलाई, देखिए ये सलाई और तीन सलाई और बुन के फिर ये पैटर्न आप यहाँ पे चौथे फंदे पे रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये वाला पैटर्न हमारा बनेगा। देखिए 3D पैटर्न हमारा ये बना है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसे ट्राई करिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।